हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अशफाक और मैं आपके सामने बहुत ही नॉर्मल सा सेंटेंस लेकर आया हूं स्पोकन इंग्लिश का, जो आपको बोलने में, समझने में, पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, तो आप लोग एक बार देखें इसको और अंडरस्टैंड करें, ताकि किस तरह सा एक नॉर्मल सा सेंटेंस हम यूज करते हैं, बोलते हैं। तो हम लोग देखें जो सेंटेंस जो पढ़ेंगे, सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, नॉर्मल से सेंटेंस। तो सेंटेंस को बनाने में सबसे पहले छोटा सा एक सब्जेक्ट का यूज करते हैं, चाहे वो आई हो या यू हो या वी हो या दे हो या ही हो या शी हो या इट हो या कोई नाम हो या काम, राम, इस तरह से कोई सब्जेक्ट यूज करेंगे। इस सब्जेक्ट के यूज करने के बाद इज, एम या आर या तो फिर वाज या वर को यूज करेंगे। उसके बाद फिर आर्टिकल ए या एन यूज कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर के रूप में है कि इस तरह सब्जेक्ट को यूज करके, इसके अनुसार इज, एम, आर, वाज, वर को यूज करके और ए एन करके और अदर वर्ड जो ऑब्जेक्ट है, पेन, बुक, तो आप एक नॉर्मल सा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, वह एक गरीब आदमी है, तो यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट में समझना पड़ेगा आपको। प्रेजेंट में रहे तो है रहेगा लास्ट में, अब पास्ट में रहेगा तो था रहेगा। तो अब देखें यहाँ पे ही या सी, दो भी जो दे सकते हैं, ठीक है। वह एक गरीब आदमी है, तो ही के साथ क्या लगेगा, देखें ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, इज अ पुअर मैन, पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी है। अगर आता वह एक गरीब आदमी था तो ही वाज ए पुअर मैन। अब अगर दे का यूज करेंगे हम लोग, एक किसान हैं, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो वी, यहां सब्जेक्ट देखें वी, अभी के साथ क्या लगाना है, आर, अ फार्मर। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। वी आर ए फार्मर, इसे आई के साथ देखते हैं, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, ठीक है, आई एम अ मैन, आई एम अ चिल्ड्रेन। अगर एंड का यूज करेंगे तो एंड का यूज तो करना आपको पता है कि वोवेल होता है ए ए आई ओ यू, तो उसके पहले हम एंड का यूज करते हैं। जैसे दिस, अगर यहाँ पे दिस रहे सब्जेक्ट, दिस रहते हैं, अगर दिस रखते हैं तो दिस इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का यू से शुरू होता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। और अब राम पूछ सकते हैं, राम इज अ गुड बॉय, है ना, राधा इज अ गुड बॉय या राम वाज अ गुड बॉय। वर का यूज कहाँ करेंगे, जैसे कि देखें पास्ट में जब रहेगा तो वर का यूज करेंगे, जैसे दे, यू, वी, दे, ये सभी के साथ हम लोग या तो फिर आर का यूज करेंगे या तो फिर वर का यूज करेंगे। और इसके साथ तो एम पता है आपको कि आई के साथ एम यूज होता है, अगर प्रेजेंट में है तो इज यूज होगा, और ही के, ही, सी, ये सभी के साथ सेम इसी तरह से यूज किया जाएगा। तो अब इसमें से आप खुद से अपना सेंटेंस बनाएंगे कि वह एक गरीब आदमी है, ही कैसे बनाएंगे, देखिए आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बनाते हैं, आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, या तो फिर आई वाज अ गुड बॉय, ठीक है, यू आर अ पुअर मैन, ठीक है, या तो फिर यू वर अ इंटेलिजेंट बॉय, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, तुम बहुत इंटेलिजेंट बॉय हो, दे वर एन आइडियल पर्सन, है ना, वे लोग, आदर्श। ये जो आप ये जो देख रहे हैं, ये सारा जो सब्जेक्ट है
इस सब्जेक्ट को हम अलग अलग तरह से सब्जेक्ट को चेंज कर करके ये जो हमारा वर्ब है इसको यूज करेंगे, उसके बाद फिर इज एम एन एन या आई का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर के रूप में हो गया कि ये सारा चेंज करके आप अपना इधर से ऑब्जेक्ट अलग अलग करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और अपने लैंग्वेज को सुधार सकते हैं ताकि अपने इंग्लिश को खुद अच्छा बना पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा और आपको अंडरस्टैंड भी हुआ होगा। तो अगर आपको रियल में अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास जाए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ओके, डैट्स ऑल, मैं फिर अगली बार नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए।